हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को MT2 लीनियर अलजेब्रा के इस ईयर के असाइनमेंट में पूछे गए एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ। यह क्वेश्चन कल बताए गए क्वेश्चन का ही दो पार्ट है, ठीक है। कल मैंने पहला पार्ट बताया था, अब ये बाकी दो पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बी इन पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन बाय यूजिंग केली हैमिल्टन थ्योरम इफ इट एग्जिस्ट्स, अदरवाइज फाइंड इट्स मिनिमल पॉलीनोमियल। तो हमें यहाँ पर पार्ट ए में मैट्रिक्स बी जो दिया हुआ था उसका हमें केली हैमिल्टन थ्योरम की सहायता से इनवर्स फाइंड आउट करना है, यदि वह एग्जिस्ट करता है तब, ठीक है, और यदि एग्जिस्ट नहीं करता है तब फिर हमें उसका मिनिमल पॉलीनोमियल फाइंड करना है। तो केली हैमिल्टन थ्योरम क्या है? केली हैमिल्टन थ्योरम है, क्या कहता है ये, लेट एफ टी, टी की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ लैम्डा भी लिखा जा सकता है। एफ टी इज इक्वल टू टी टू द पावर एन प्लस सी वन, ये कोएफिशिएंट है, सी वन टी टू द पावर एन माइनस वन प्लस सो वन प्लस सी एन माइनस वन टी प्लस सी एन, ये कॉन्स्टेंट टर्म। बी द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ एन बाई एन मैट्रिक्स ए, ठीक है। मान लेते हैं कि यह जो है एक एन बाई एन मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, तब क्या होता है, एफ ए, यानी कि टी की जगह हम मैट्रिक्स ए को पुट करेंगे तो यह पॉलिनोमियल जो है, यह कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाता है, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है, और इसका ऑर्डर वही रहता है जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर पता करना है क्या दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स, ठीक है, इस थ्योरम की सहायता से। तो अब यही थ्योरम हमें आगे क्या बताता है, एक अन्य थ्योरम में, लेट एफ टी इज इक्वल टू टी टू द पावर एन प्लस सी वन टी टू द पावर एन माइनस वन प्लस वन प्लस सी एन माइनस वन टी प्लस सी एन बी द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ एन बाई एन मैट्रिक्स ए, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट्स इफ सी एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल प्राप्त होता है उसमें जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है वह जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वह जीरो के इक्वल नहीं है तब तो हम क्या कहेंगे कि दिया गया मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, यानी कि उसका हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, और फिर हम जो है उसका इन्वर्स निकाल लेंगे, ठीक है। इन दिस केस ए इन्वर्स इज इक्वल टू माइनस सी एन टू डी पावर माइनस वन ए टू डी पावर एन माइनस वन प्लस सी वन ए टू डी पावर एन माइनस टू प्लस सो वन प्लस सी एन माइनस वन आई, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करना होगा, केली हैमिल्टन थ्योरम की सहायता से अगर हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होगा। तो हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस लैम्डा आई, ठीक है, यही है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। तो इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स में हम डायगोनल एंट्रीज में लैम्डा को माइनस कर देंगे, बाद बाकी एंट्रीज ऐसे ही रहेंगे, और फिर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, लैम्डा क्यूब माइनस फाइव लैम्डा स्क्वायर प्लस एट लैम्डा माइनस फोर, ठीक है। अब हम इसी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में देखते हैं कि कांस्टेंट टर्म जीरो के इक्वल नहीं है, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि यह मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और फिर हम इन्वर्स निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे, सिंस कांस्टेंट टर्म इज माइनस फोर विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर बी इज इन्वर्टिबल। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, नाउ बाय केली हैमिल्टन थ्योरम, केली हैमिल्टन थ्योरम के अनुसार क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में टी की जगह हम या लैम्डा की जगह हम यहाँ क्या पुट कर देंगे, मैट्रिक्स बी पुट कर देंगे, ठीक है, और वह पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स के, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस फोर को फोर आई के रूप में लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू जीरो। अब माइनस फोर आई को हम राइट हैंड साइड में ले आते हैं, प्लस फोर आई, फिर फोर आई को इधर लिख देते हैं, और इसे मतलब दोनों को लेफ्ट राइट चेंज कर देते हैं, ठीक है, और उस स्थिति में साइन चेंज नहीं होगा। फिर हम क्या करते हैं, फोर आई इज इक्वल टू बी क्यूब माइनस फाइव बी स्क्वायर प्लस एट बी, फिर फोर आई इज इक्वल टू इन तीनों में से बी कॉमन निकाल लेते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस फाइव बी प्लस, यहाँ से बी निकलेगा तो यहाँ क्या है, एट इंटू आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद जाकर के
अब इस बी को हम जब इधर लाएंगे तो यह इधर आकर बी इनवर्स के रूप में लिखा जाएगा, 4i बी इनवर्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 8i। अब ये i इंटू बी इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स ही होगा, तो 4b इनवर्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 8i, तो बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, इसके नीचे आ जाएगा, तो 1/4 बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 8i। अब हम बी इनवर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये सब क्लियर कर लेते हैं, बी स्क्वायर 5b और 8i का वैल्यू, तो बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं, बी इंटू बी सिंप्लीफाई करने पर हमें ये रिजल्ट प्राप्त होता है। फिर जाकर हम 5b भी निकाल लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। फिर हम जाकर 8i का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, और तब फिर हम बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 8i पर इन मानों को पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, यही क्या है, अब बी का इनवर्स। ओके, इस तरह से हम केली हैमिल्टन थ्योरम की सहायता से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद तीसरे पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 11 के तीसरे पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इन पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन बाय फाइंडिंग इट्स एडजॉइंट इफ द इनवर्स एग्जिस्ट, अदरवाइज फाइंड इट्स मिनिमल पॉलीनोमियल। यहाँ पर भी वही बात है, लेकिन अब हमें यहाँ पर जो इनवर्स फाइंड आउट करना है वह किस मेथड से, मतलब यहाँ पर मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट प्राप्त करके, ठीक है, एडजॉइंट मेथड के द्वारा हम जो है यहाँ पर इनवर्स प्राप्त करेंगे, जो कि हम लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ा है। तो यहाँ पर अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर हमें यहाँ भी कह रहा है कि इसका मिनिमल पॉलीनोमियल फाइंड आउट कीजिए। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें क्या प्राप्त होता है, -1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता तब फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सभी एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है, इस तरह से। सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेने के बाद हम क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लेंगे तो वही क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ को मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पर अब जब एडजॉइंट ऑफ ए हमें पता चल गया तो ए इनवर्स निकाल देंगे, कैसे, तो एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ पर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -1, एडजॉइंट ऑफ ए ये हमें प्राप्त हुआ है, 1 -1 -1 ही होगा। फिर इस मैट्रिक्स को लेके फिर -1 से इन सभी एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही रिजल्ट मिलेगा और यही इनवर्स हो जाएगा दिए गए मैट्रिक्स ए का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।